रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ राइस, और जिसके लिए हमें ये गाजरें हैं और ये प्याज है और ये येलो कैप्सिकम है और ये गोभी है, ये ग्रीन कैप्सिकम है और ये रेड कैप्सिकम है। और ये 2 कप हमने राइस लिए थे, दो घंटे पहले भुगो के रखे थे। 300 ग्राम ये बोनलेस चिकन है, ये जीना मोटो है, ये नमक है और ये भी नमक है, सालन में जाएगा। ये कुटी लाल मिर्च है, ब्लैक पेपर है। ये 2 टेबलस्पून सोया सॉस है, 1 टेबलस्पून सरका है, 5-6 टेबलस्पून इसके ऑयल के हैं, ये गार्लिक एंड जिंजर है। ये चावलों के लिए हमने पानी भी रख दिया है और चूल्हा भी ऑन कर दिया है। और ये जीना मोटो और नमक जो है ये हम पानी में डालेंगे चावल उबालने के लिए, और ऊपर से ढक देंगे, पानी उबलेगा तो फिर बाद में इनमें चावल डालेंगे। और ये पानी हमारा उबल चुका है, अब इसमें हम डालेंगे चावल। चावल थोड़े आस्ते आस्ते डालेंगे ध्यान से। चावल डाल दिए, अब ये चावल उबलेंगे थोड़ी देर में। और ये देखें चावल हमारे उबल चुके हैं, थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएंगे। और ये देखें चावल हमारे रेडी हो चुके हैं, ये उबल गए हैं। अब इनको हम स्ट्रेनर में डालेंगे और एक साइड पे रखेंगे, बाद में बनाते हैं सालन। और ये देखें हमने छन्नी से निकाल के स्ट्रेनर में डालने हैं चावल, ये पानी इसी में निकालना। और ये चूल्हा हमने ओपन कर दिया है और हम इसमें डालने जा रहे हैं तेल। राइस हमारे रेडी हो गए, हम आ गए अभी सालन की तरफ। तो ये ऑयल हमने डाल दिया है, ये ऑयल चला गया। और ये थोड़ा इसको गर्म करेंगे ऑयल को। और ये गार्लिक जिंजर डालने जा रहे हैं, गार्लिक जिंजर, ग्रीन चिल्ली है, इसी में मिक्स है। हम इसको थोड़ा सोटे करेंगे और उसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन डाल लेंगे और थोड़ा इसको, चूल्हा हमने अभी आई पे रखा हुआ है थोड़ा, थोड़ा ब्राउन करेंगे और चिकन डालेंगे इसको। गार्लिक जिंजर हमारा रेडी है, अभी हमने चूल्हे को आस्ता कर देना है और इसमें हम डालेंगे ये चिकन। ये 300 ग्राम चिकन है, इसको थोड़ा ब्राउन करेंगे इसी गार्लिक जिंजर में, ऑयल में। चूल्हा हमने तेज किया हुआ है, अभी इसको हम थोड़ा ब्राउन करेंगे चिकन को। 3 मिनट में ये चिकन ब्राउन हो जाएगी और 3 मिनट के बाद इसमें जाएंगे, सोटे करेंगे और इसके बाद इसमें जाएंगे मसाले। और चिकन हमारी जो है वो अब ब्राउन हो चुकी है
और इसमें अभी जाएंगे ये मसाले। दो तीन मिनट इसको भूनेंगे और इसके बाद इसमें अब हम डालेंगे ये गोभी। फर्स्ट में जाएगी गोभी, थोड़ा इसको भूनेंगे। गोभी और प्याज, ये प्याज है, गोभी है और थोड़ा इसको। चूल्हा हमने हाई पे रखा हुआ है, हाई फ्लेम पे चूल्हा हमारा। तो थोड़ा सोते करना है गोभी को, प्याज को। तो प्याज और गोभी मैंने पहले डाली थी और अभी इसमें जाएंगी बाकी की सब्जियाँ। ये गाजर है, ये शिमला मिर्च है, ये भी शिमला मिर्च है, ये अपने अपने कलर की। ये रेड है शिमला मिर्च, ये सब इसमें चलेगी। और अभी हम चूल्हा जो ऑफ कर दिया, अभी हम इसको मिक्स करेंगे। तो मिक्स करेंगे, चिकन हमने पहले डाली थी गार्लिक जिंजर में, और ये बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। सब्जियां तो कोई मैंने बारीक काटी हैं और कोई लंबी काटी हैं, अच्छी लगती हैं ऐसे। पर अब इसकी हम थोड़ी देर बनाई करेंगे और फिर इस पर हम थोड़ा ढक्कन रखेंगे 2 मिनट के लिए, फिर इसको भूनेंगे। और ये इसमें सोया सॉस मैंने डाल दिया है और सिरका 800 ये मैंने मिक्स करके डाल दिए थे, ये भी इसमें डाल दिया। ऐसा फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसका। अब इसको हम भूनेंगे। और इस पे हमने ये ढक्कन रख दिया है, ये थोड़ी देर में रेडी आएगी। 5 मिनट के बाद ये सब्जियां जो है रेडी हो जाएंगी। और फ्लेम हमने स्लो किया हुआ है और 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इधर आ जाए,
और ये चावल मैंने डाल दिए बेचके में, अब मैं सब्जियां डालूंगी और इनको करूंगी मिक्स, इनको आस्ते आस्ते मिक्स करूंगी। ये देखें ये मिक्स हो रही हैं आस्ते, ये देखें चावल हमने दम पे लगा दिए, ये गीला कपड़ा और माल लेके गीला करके निचोड़ के मैंने इनको दम लगा दिया। और ये देखें चाइनीज़ हमारे रेडी हो चुके हैं, अब इनको मैं डिश आउट करने जा रही हूँ और फिर बाद में दिखाती हूँ। और ये देखें चाइनीज़ हमारे रेडी हो चुके हैं, चाइनीज़ राइस रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।